हेलो क्विक लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और उसके टाइप्स के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन विद व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पे टेस्ट करते हैं। वो प्रॉपर्टीज हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम एंड द कोडिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर। इन तीन प्रॉपर्टीज पे हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, इनपुट आउटपुट फ्लो को चेक करते हैं, अपने डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में, सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, उसकी यूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के टेस्ट को करने के लिए आपके टेस्टर को आपके कोड की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए या फिर उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम कुछ अलग अलग और नामों से जानते हैं, जैसे कि क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। इनमें से कोई भी नाम आपको कभी भी नजर आए तो उसका मतलब है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। हम जब भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, हम क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, उस बातों पर कुछ नजर डाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे प्रोग्राम में, पूरे सॉफ्टवेयर में जितने भी सिक्योरिटी होल्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी ड्रॉबैक्स हैं, उनको वेरीफाई करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। टेस्टिंग करते समय हम अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी इनकम्प्लीट पाथ्स हैं, इनकम्प्लीट यूआरएल कह सकते हैं, जहाँ से आप किसी पेज में जंप कर रहे हों या किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, वो इनकम्प्लीट है जिसकी वजह से फाइल को एक्सेस ना करा जा पाए, इसलिए उनको हम लोग चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, टू चेक द कंडीशनैलिटी, आपके प्रोग्राम में जितने भी लूप्स लगे हैं, जितने भी फंक्शंस लगे हैं, वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में चेक करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, टू चेक इफ ऑल द एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर मेट, यानी जितने भी रिजल्ट्स का जो इनपुट दिया जाए उसका वही आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंश्योर करते हैं। हमारा काम होता है लाइन बाय लाइन कोड को वेरीफाई करना, चेक करना और कोड को बिल्कुल एरर फ्री बनाना, ये हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है। अगर आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो टू सिंपल स्टेप्स में आप इस टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप वन इज टू अंडरस्टैंड द सोर्स कोड। पहला चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने सोर्स कोड को समझना है, परखना है और उसके बाद उस कोड के बेसिस पे आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं। स्टेप टू में आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं और उन टेस्ट केसेस को आपको एग्जीक्यूट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने कोड को लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टेस्ट कर पाएंगे और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड पाथ कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज का मतलब है आप अपने कोड को लेंगे और हर पॉसिबल स्टेटमेंट जो चेक किया जाना चाहिए, आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अपने कोड को चेक करेंगे और टेस्टिंग के प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। दूसरा तरीका है ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज के अंदर आप जितने भी प्रोग्राम में आपके लूप्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको टेस्ट करेंगे और अपने टेस्टिंग के प्रोसेस को कंडक्ट कराएंगे। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट तरीका है पाथ कवरेज। पाथ कवरेज का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस, कि आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर आपको किसी दूसरे पाथ पे ले जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो एक पाथ को फॉलो करते करते आप उस पूरे पाथ को कवर करेंगे और अपने पूरे कोड को टेस्ट करेंगे। तो ये तीन तरीके हैं जो मोस्ट पॉपुलरली हम लोग यूज करते हैं। इनके अलावा ये तरीके कुछ और हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के टेक्निक्स की तरह। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली हम लोग फर्स्ट थ्री टेक्निक्स को ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ एडवांटेजेस अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फायदा होगा आपको, आपका कोड कंप्लीटली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर अर्लियर आपका कोड 50 लाइन का था और कम एफिशिएंसी से काम कर रहा था, तो आप जब टेस्टिंग करेंगे तो आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा, हो सकता है लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस हो जाए और आपका कोड बेटर तरीके से वर्क करने में केपेबल हो पाएगा। नेक्स्ट इज टेस्टिंग इज मोर थॉरो। टेस्टिंग करने की वजह से आपके कोड में जितने भी अनडिस्कवर्ड पाथ्स हैं या ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या ऐसे कोई सेगमेंट्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं या फिर जिसको आपने कम्प्लीटली चेक नहीं किया था ड्यूरिंग द कोडिंग प्रोसेस, वो भी डिस्कवर कर लिए जाते हैं और प्रॉपरली टेस्ट कर लिए जाते हैं। टेस्टिंग जो है वो पूरा SDLC एक फेज है, उसके अर्ली स्टेजेस में ही एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आपके प्रोग्राम का GUI बनने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अर्ली स्टेजेस में टेस्टिंग कर पाएंगे और जिसकी वजह से आपकी टेस्टिंग कभी भी किसी भी मोड में स्टार्ट की जा सकती है और आपका कोड जो है वो सिक्योर बनता रहेगा।
तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं आपके व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के साथ, जैसे कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड आपको पढ़ना है, उसको टेस्ट करना है, और इसके लिए आपके टेस्टर को कंप्लीट प्रोग्रामिंग नॉलेज की होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अगर हम देखें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा प्रॉब्लम तो क्या है, इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल रिसोर्सेज, आपको प्रोफेशनल टूल्स, प्रोफेशनल रिसोर्सेज, प्रोग्रामिंग की कंप्लीट नॉलेज, उसका इम्प्लीमेंटेशन, सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आप एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को कंडक्ट करा पाएंगे। तीसरा, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, पूरे कोड को दोबारा से पढ़ना, दोबारा से टेस्ट करना, टेस्ट केसेस बनाना, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। इसलिए लार्जर प्रोजेक्ट में जिनका प्रोजेक्ट्स का साइज बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं टू कंडक्ट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। लास्ट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स, तो दिस इज अ होल फ्लो चार्ट जिनको हम आगे आने वाली सीरीज में एक एक करके समझेंगे। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मेजरली यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको फर्दर उनके डिफरेंट टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन सारी टेस्टिंग को जानने के लिए वीडियोज में बने रहिए, और अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिस वॉज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।